संभल में गुन्नौर थाना क्षेत्र के गंगा नहर में अज्ञात महिला का पानी में तैरता मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। संभल से उवैश दानिश की रिपोर्ट। उन्नाव के अजनैन थाना क्षेत्र के क्यारो पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे चालक और क्लीनर। से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र यूसुफपुर अंतर्गत अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, युवक को आई गंभीर चोटें। सिद्धार्थनगर से अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। संभल में उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने सभी सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए दिए नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश। संभल से वैश दानिश की रिपोर्ट। राजस्थान अलवर की लाल प्याज की मांग पूरे देश में, खरीदने पहुंचे कई राज्यों के व्यापारी। IIT कानपुर से पॉलिटेक्निक कानपुर तक बने खंभों पर चलने वाली मेट्रो ट्रेनें नहीं है सुरक्षित। मेट्रो शुरू होने से पहले किसी बड़े हादसे की आशंका। कानपुर देहात से मोहम्मद फुजैल की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KKD News और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।